स्वागत है दोस्तों आप सभी के मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हेल्प में। और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि भारत सरकार द्वारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में भर्ती निकाली गई है, जिसके आवेदन ऑनलाइन फिल किए जा रहे हैं। तो इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। इसकी जो PDF है और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लिंक है, मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। वहाँ से आप PDF भी लोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे स्क्रीन पर आप PDF देख रहे होंगे। तो इस PDF में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई नाभी मुंबई द्वारा निकाली गई है, जिसमें सहायक ए के पद पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 74 वैकेंसी है। पहला SC के लिए 1 है, ST के लिए, OBC के लिए 62 वैकेंसी है और अदर के लिए 8 वैकेंसी है। तो इसमें OBC के लिए 62 वैकेंसी है, इसमें से 58 वैकेंसी जो है वो विकलांग के लिए है। तो इसमें जो वेतन है वो 18,000। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता दी गई है वो 10वीं या 12वीं पास वालों के लिए है। और इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, वो है इसका जो सिलेबस है, चयन प्रक्रिया। इसमें पहले 2 एग्ज़ाम होंगे। प्रारंभिक परीक्षा, जो पहली परीक्षा होगी उसमें गणित के 20 प्रश्न, विज्ञान के 20 प्रश्न और समाज विज्ञान के 10 प्रश्न होंगे, जिस टोटल 50 प्रश्नों की होगी। और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक दिए जाएंगे, जो कि 150 नंबर का आपका पहला पेपर होगा। उसमें नेगेटिव मार्क है, एक गलत प्रश्न पर 1 अंक काटा जाएगा। और इसमें एक सेकंड परीक्षा होगी, जो मेन है, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। सेकंड परीक्षा होगी, उसमें 15 अंक गणित के होंगे, 15 विज्ञान के होंगे, 10 सामान्य ज्ञान और 10 इंग्लिश। ये भी 50 नंबर का पेपर होगा। इसमें भी प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक दिए जाएंगे और इसमें जो है 1 अंक गलत होने पर काट लिया जाएगा। इसकी जो आवेदन शुल्क है वो 100 रुपये है और इसमें महिला और SC ST अभ्यर्थियों और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। तो इसमें केवल जर्नल और OBC कैटेगरी के लिए जो 100 रुपये का भुगतान करना होगा। और इसकी जो एज है वो 18 से 30 साल तक है। इसके बाद मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की करने की तिथि है वो 8/6/2019 से 1/7/2019 तक है। और इसकी जो वेबसाइट है वो PDF पर भी दी गई है, जहाँ से आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं और इसकी जो जानकारी है वो आप PDF में पढ़ सकते हैं। और आपको इस प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर मुझसे हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।